गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 8 शाम एक के साथ के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट हम आज कंटिन्यू करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन क्या था, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आया, तो इसका उत्तर क्या होगा, इस बीच आसमान में लालिमा शाह जाती है नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक गई। आकाश और दिशाएं ढक गई, इसे और भी बोलते हैं, इसे यहाँ पर आप और भी लिख सकते हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो, नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो वाक्यों में बांध लिया। कौन कौन से पक्षी है, कबूतर, कौआ, मैना, तोता, चील, हंस, इन सबको भी हम एक एक वाक में लिखेंगे। सबसे पहले है कबूतर, कहाँ जा रहे हो, आगे है कौआ, सुनो रात ना होने दो, आगे है मैना, तुम मनमोहक हो, आगे है तोता, तुम्हारा समय निराला है, आगे है चील, थोड़ी देर तो रुको, नेक्स्ट है हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तो ठीक हो बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।